क्या मैं पराई हूँ? मुझे यकीन नहीं होता कि मैं पराई हूँ, परंतु यही सत्य है। जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे पराईपन का एहसास होता गया। घर के बड़े बूढ़े कहते, तुम पराया धन हो, आज नहीं तो कल चली जाओगी। हम जब छोटे थे, कितना हमको अच्छा लगता था, गिर गिर के उठते थे, इतना ज़्यादा रोते थे। फिर हमें मम्मी पापा गोद में दौड़कर उठा लेते थे, बड़े प्रेम से सहलाते थे उस जगह को, और जहाँ हम गिरे उस जगह पर फूंक मारकर पांव पटक पटक कर उस ज़मीन को डांटते थे। आकाश में हाथ उठाकर चिड़ियाँ दिखाते थे, हमें कहते देखो ऊपर चिड़ियाँ देखो। जिधर पापा हाथ दिखाते उस तरफ देखने लग जाते थे, एवं फिर से गदगद होकर हंसने लग जाते थे, फिर से खेलने लग जाते थे। मुझे याद आता है वह बचपन, कई सालों पहले जब मैं छोटी थी, मुझे बिच्छू ने डंक मार दिया था। मैं जब जोर जोर से रोने लगी, तब मम्मी ने मुझे अपने गोद में उठा लिया, बहुत प्यार किया, लेकिन जलन बहुत तेज थी, इसीलिए लगातार फूट फूट कर रोए जा रही थी। पापा घर पर नहीं थे, वह कोई काम से दूसरे गांव जा रहे थे, तो बस स्टैंड से उन्हें वापस बुलवाया। पापा ने कुछ इलाज किया, मेरे साथ मम्मी पापा दोनों रो रहे थे। मैं तो गोदी से नीचे उतर ही नहीं रही थी, लगातार 3 घंटे मुझे बिच्छू की जलन होती रही। तब तक मम्मी पापा मुझे लेकर घूमते रहे। आज भी मुझे याद है कि मैं मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं, वहाँ माया ममता का प्यार भरा खजाना होता है, लेकिन अचानक क्या हो जाता है कि हमारे इतने प्यारे होने के बावजूद हमें दूर कर देते हैं। क्या यही उसकी पहचान है? एक स्त्री होने का यही मापदंड है? स्त्री होना क्या पाप है? आँखों में अश्रु का सागर लिए नदियाँ सी चुपचाप प्रवाहित होती है, दिल में मचलती तड़प, दिल के चिथड़ों में बटकर एक आह लिए वह सारा जीवन अपना दायित्व समझकर जीने की कोशिश करती है। गांव गलियों की सखियों की याद लिए अपनी मंजिल तय करती है, पुरानी यादों को समेट कर नई राह के सपनों में खो जाती है, घर के सारे काम काज कर अष्टभुजा बन जाती है, सम्मान पाने की मन में आशा लिए रहती है, बच्चों को सरस्वती की तरह शिक्षा दीक्षा देती है, हर कार्य में बचत करने की कोशिश कर लक्ष्मी बनती है, अन्नपूर्णा बनकर सबका उदर शांत करती है, कोई संकट आ जाए तो चंडिका बन जाती है, हमेशा से आंचल में दूध आँखों में पानी लिए सारी जिंदगी सहती रहती है। फिर भी वह पराई होती है, नौकरी या बिजनेस करने वाली भी पर स्वाधीन होती है, वह सपने में भी स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि वह माया ममता की जाल में फंसकर असहाय होती है। स्त्री अपने संस्कार खोना नहीं चाहती, चाहे उसे अपनी जान भी क्यों न गंवाना पड़े। संसार के सागर में कई बार मर मर कर वह अपना जीवन जीती है। स्त्री जाति का महिमा का सिर्फ बखान होता है, मगर वास्तव में बचपन से ही उसे पराया धन माना जाता है। यह बात बड़ी खेदजनक है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।